अंदर एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि हर परिवार को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा और नहीं दिया जाएगा तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अभी 4-5 साल का डेटा बता रहा है कि वो 50 तक भी नहीं गया है एवरेज नेशनल लेवल पर। फिर दोहरा रहा हूं मैं कि हर परिवार को गांव के अंदर जो चाहता है रोजगार अनस्किल्ड रोजगार उसको दिया जाएगा, लेकिन वो एवरेज 50 तक भी नहीं गया है और करंट ईयर में ये इस समय 42% है 42.61। दूसरी बात यह है महत्वपूर्ण कि जो मजदूरी है वो 15 दिन के अंदर मिल जानी चाहिए थी और अधिकतर इसमें वो लोग काम करते हैं जो गरीब तबके के होते हैं, वो भी करीब करीब 4.85 लाख जो रोस्टर्स हैं मस्टर रोड सॉरी जिनको की 15 दिन के अंदर रोज उनकी मजदूरी नहीं मिली। और इसमें सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल के अंदर है जो कि 2 लाख के आसपास है। मतलब नंबर एक रोजगार भी नहीं मिला मतलब बात हुआ, दूसरा है कि 15 दिन के अंदर जो रोजगार मिला था सॉरी जो मजदूरी मिली थी वो बहुत नहीं मिली, बहुत सारे 4.85 लाख से बीजेपी एमपी है फिरोज गांधी जी उनका एक किताब आई है रूरल मैनिफेस्टो, तो उसमें उन्होंने अध्ययन किया है और पाया कि जो नरेगा संघ मोर्चा वो कहते हैं कि जो 9 करोड़ के करीब वर्कर्स हैं जिनको कि समय पर मजदूरी नहीं मिली उनकी स्कीम बता रही है 9 करोड़ के आसपास, और अधिकतर जो 3,066 करोड़ के करीब वो है जो उनकी मजदूरी वेजेस पेंडिंग पड़े हैं मतलब मजदूरों के जो कि टाइम पर नहीं दिया गया। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पहलू अगर हम जोड़े ये हो सकता है कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसका कि प्रावधान ही नहीं है, अगर ब्याज भी लगाए तो और सीरियस प्रॉब्लम हो जाता है। एक भैया बात ना करो प्लीज। अच्छा इसमें 71% के करीब काम इसलिए नहीं हो पाए कि पैसे की कमी थी। दूसरा प्रोग्राम है नेशनल दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन जिसमें कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। इसमें ये अध्ययन आए हैं कि जहां पर एसएचजी बनाकर और उनको असिस्टेंट दिया गया वहां पर इनकम बढ़ा, लेकिन उसमें समस्या क्या है कि जो रिक्रूटमेंट है अलग जो वर्कर्स हैं प्रोफेशनल्स हैं उसकी कमी रही है। जो CIF है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड जो उनको दिया जाता है SHGs को सेल्फ हेल्प ग्रुप को वो उसकी कमी रही, और इम्प्लीमेंटल जो अभी हो ये स्टार्टअप कह रहे थे उसकी प्रॉब्लम रही, और जो प्रोजेक्ट्स थे वो पूरी तरह से नहीं हुए। तीसरा है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, इसमें क्या है कि जो ट्रेनिंग दी जाती है और उनको 6,000 रुपये महीना एक स्टाइफंड वगैरह भी दिया जाता है। इसके अंदर भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कारण कि करीब करीब जो टोटल ट्रेनिंग दिया गया मतलब जिनको ट्रेनिंग देना था इसके अंदर उसमें कोई 59% के करीब को ट्रेनिंग दिया ही नहीं गया, मतलब जो अगर 100% को ट्रेनिंग देना था उसमें से 59% को ट्रेनिंग ही नहीं दिया गया। तो जितनी जो स्किल की बात हो रही है वो ज्यादा ये एक बाहर की बातें सब हो रही है, एक फकार इस तरह का क्रिएट किया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर जो उचित तरह की ट्रेनिंग वो नहीं दी गई। इसमें एक महत्वपूर्ण बात एक और है कि ये प्रोग्राम 2014 से शुरू हुआ था, अभी तक भी जो स्टेट लेवल एजेंसीज हैं मतलब वो जो कि नीचे प्रोग्राम को देखेगी ट्रेनिंग को देखेगी और जो मसले हैं उनको देखेगी, उसमें स्थिति ये है कि आंध्र प्रदेश में 1 जगह खाली है, अरुणाचल प्रदेश में 6 जगह खाली है, छत्तीसगढ़ में 5 जगह खाली है, सीनियर स्टेट लेवल पर गुजरात में 1 खाली है,
हरियाणा में 6 खाली है, इस तरह अधिकतर राज्यों में वो पोस्टें खाली पड़ी हैं। तो जब जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है उसके पास ये प्रॉपर मैन पावर नहीं है तो वो कैसे उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण मसला है जिस पर कि अध्ययन करने की जरूरत है कि जो स्किल वाला मसला है वो जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लास्ट एक है आरसीटी, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये भी ट्रेनिंग देते हैं लोकल गांव वाले, गांव के यूथ को, और उनको फिर कुछ रोजगार के लिए अपना धंधा कर सकते हैं या कुछ और वेजेस वेज एम्प्लॉयमेंट का धंधा कर सकते हैं। इसमें भी क्या है कि अधिकतर जो लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है वो अपने पैसे से उन्होंने अपना धंधा शुरू किया है। तो महत्वपूर्ण बात यह है, इसका अर्थ ये हुआ कि जिनको ट्रेनिंग दिया गया वो समृद्ध परिवारों के यूथ होंगे, ताकि क्योंकि उन्होंने अपना पैसा लगाकर धंधा शुरू किया, जो बैंक वैंक से लेने का हुआ वो बहुत कम रहा। तो ये मोटी मोटी सी बात यह है कि जो रोजगार का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का और आरसीटी प्रोग्राम और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, उसमें भी उतना सफलता नहीं है, और जो वेज एम्प्लॉयमेंट है, जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी है, उसमें भी 100 दिन के रोजगार की गारंटी है वो 50 तक भी नहीं गई है। तो ये एक एक ग्रे एरिया बताता है कि इस पर और काम करने की जरूरत है कि सही तरीके से जो यूथ है उसको रोजगार मिले। अब मैं एक मिनट और लूंगा, वो ये है कि जो डॉक्टर अम्बेडकर जी थे वो जब कोलंबिया में स्टडी कर रहे थे उस समय एक और निग्रो थे, उनका नाम था बुकर टी वाशिंगटन। बुकर टी वाशिंगटन से डॉक्टर साहब बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे, और उनका थ्योरी क्या था, उन्होंने ट्रिपल एच का थ्योरी दिया था बुकर टी वाशिंगटन ने। वो निग्रो थे, स्लेव थे, और स्लेव से बहुत बड़े स्पीकर बने। तो उनका जो 3H था वो था हैंड, हेड, हेड और हार्ट। हैंड, हेड और हार्ट। हैंड का मतलब हैंड्स, हैंड्स मतलब कि आपको रोजगार करना है, और हेड का कि आपको अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करना है, और हार्ट का था कि आपको लव एंड सर्विस वाला एटीट्यूड भी रखना है। तो इसके लिए जरूरी है कि हमको एक एग्री बिजनेस को प्रमोट करने की जरूरत है। एग्री बिजनेस में क्या है कि इनपुट, प्रोडक्शन, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग ट्रेड, ये सब इंटीग्रेटेड वे में हो। दूसरे शब्दों में, अगर हमारा एक गांव है, गांव के अंदर अगर गेहूं पैदा हो रहा है तो गेहूं वहां से आटे का बिल्कुल वो जो आटा है उसका ब्रांडेड वो निकल के जाए। अगर आलू है तो आलू का प्रोडक्शन, उसका फिर वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग, वो चिप्स बन के वहां से जाए। तो इस तरह का एक इंटीग्रेटेड वे में एक एग्री बिजनेस डेवलप करने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच, फिर कभी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।